दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्पाइस मनी में जो एचपी का ऑनलाइन अप्लाई का जो सर्विस ऐड किया गया वो कहां से निकलेगा, कैसे काम करता है वो आपको बताएंगे। जी हां, अब एचपी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पाइस मनी में अब एचपी को भी ऐड कर देगा। अभी तक किसी भी कंपनी में एचपी को ऐड नहीं किया गया था किसी भी बुकिंग के लिए या पेमेंट वगैरह के लिए, लेकिन अब स्पाइस मनी में ऐड कर दिया गया। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह गैस बुकिंग करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पाइस मनी लॉगिन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन कर चुका। अगर आपको आईडी नहीं है स्पाइस मनी का, आईडी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना होगा। जैसे आपका स्पाइस मनी ओपन हो जाएगा तो मोबाइल रिचार्ज पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच, ब्रांड बोर्ड, लैंडलाइन, वाटर, गैस, और यहाँ पे आपको मिलता है एलपीजी गैस। तो यहाँ पे आपको एलपीजी गैस पे क्लिक करना है। जैसे आप एलपीजी गैस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेट का आप बुकिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट, स्टेट करने के बाद यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि एचपीसीएल यानी कि एचपी, उसके बाद उसके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में का आप करना चाहते हैं बुकिंग, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगे, यहाँ पर कंज्यूमर आईडी आप कंज्यूमर नंबर देना है। कंज्यूमर नंबर कहाँ से देना हुआ आपको, ये मेरा पासबुक है एचपी का, इसमें लिखा हुआ ये देखिए कंज्यूमर नंबर उपभोक्ता संख्या, तो इसको हम इसमें इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये देने के बाद हो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी क्लिक करेंगे तो इस जिला में जिसे भी डिस्ट्रीब्यूटर सभी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम वगैरह आ जाएंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके गैस कनेक्शन में है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कोई एक मोबाइल नंबर दे देना होगा, कोई भी मोबाइल नंबर एक यहाँ पे आपको दे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मैं दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ फैक्ट व्हील पे क्लिक करेंगे, जैसे फैक्ट बिल पे क्लिक करेंगे वन बुकिंग इज पेंडिंग कंज्यूमर, मैंने इससे एक बुकिंग किया था, वन बुकिंग इज पेंडिंग, मैंने इससे एक बुकिंग किया था जो कि पेंडिंग है, मतलब उसको मैंने अभी नहीं लिया हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा मोबाइल नंबर चेंज करके देख लेता हूँ। उसके बाद फिर से फैक्ट बिल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले बुक कर चुका हूँ, मैंने उस बुक को जो किया था उसको मैं सिलेंडर नहीं रिफिल करवाया सिलेंडर। तो इसी तरह आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने बुकिंग कर दिया। तो अगर आप बुकिंग नहीं किए होंगे और वो ले नहीं लिए होंगे तो आपको यहाँ फैक्ट बिल पे क्लिक करने होंगे, तो आपको यहाँ पे चार्ज दिखा दे कितना अभी लग रहा है। तो यहाँ बराबर चेंज होता है, जैसे गैस की कीमत कम होगी तो यहाँ भी चेंज होती है। यहाँ पे आपको फिलअप करना, पेमेंट भी आपको यहीं से ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन अगर पेमेंट कर देंगे तो आप तो ये रसीद निकलेगी, ये रसीद आप जाएंगे वहाँ पे जमा करेंगे तो वहाँ से आपको एचपी गैस मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।